इस कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद आपको डायमीटर को एक्सटेंड करना है पी और क्यू पॉइंट तक, जो कि आपके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, और इन पी और क्यू पॉइंटों से आपको टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो उसके लिए एक आप पहले लाइन ड्रा कर लीजिए 3 सेंटीमीटर की। तो ये सेंटर हमने लिया और आपने दोनों तरफ लेना है। तो ये हमने 14 का लाइन बनाया है और 7 को सेंटर लिया है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया है कि सेंटर से 7 7 सेंटीमीटर की दूरी दोनों तरफ है। और अब आपने 7 से 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाना है, तो आप देख सकते हैं 10 माइनस 7 3 ही होगा। तो ये आपका ओ ए रेडियस हो गया। तो ओ से ये जो पी पॉइंट है ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देख सकते हैं हमने डायमीटर को एक्सटेंड किया हुआ है। तो ओ पी आपका हो गया ये 7 सेंटीमीटर का, और ये जो क्यू है ओ क्यू, ये आपका ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर का। देख सकते हैं पी क्यू हमने 14 सेंटीमीटर का लिया था। तो ओ ए यहाँ पर हो गया रेडियस, जो कि हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का, देख सकते हैं। तो अब हम कंपास की सहायता से नीडल को रखेंगे ऊपर, ये हमने रख ली, और ए तक लेके आएंगे पेंसिल को ताकि 3 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाए, और फिर हम सर्कल बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया सर्कल, और अब हमें बनाना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ क्यू का। और तो चलिए बनाते हैं। तो आधे से ज़्यादा खोल लेते हैं, ये हमने खोल लिया, कन्वीनियंटली खोलना होता है। तो एक बार आर्क यहाँ लगाया, ये नीचे की तरफ लगाया, और इसी को हम दूसरी तरफ भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ओपी का भी हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ भी बनाना होगा। टेंजेंट बनाने का प्रोसीजर है। अब इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट कर देते हैं पी पॉइंट से, और इधर वालों को क्यू पॉइंट से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। अब स्केल की सहायता से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो इधर वालों को ज्वाइन करते हैं, और अब इधर वालों को भी ज्वाइन कर देते हैं। इससे हमें ये मिड पॉइंट मिला ओ क्यू का, ये 7 का आधा होगा, और इधर ये इनको लेवल भी कर देते हैं एम और एन। तो जो आपका ओ एम है और ओ एन है, ये आपका 7 का आधा होना चाहिए। आधा मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपका, 7/2 का आधा 3.5। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए स्केल की सहायता से हमें देख रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर ही है, और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें सर्कल बनाने हैं, तो एम को सेंटर मानते हुए और ओ एम को रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रा करेंगे। तो एक सर्कल तो हमने ये बना लिया इधर, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमें मिलते हैं दो, इनको ज्वाइन करने से टेंजेंट्स मिलते हैं, क्यू से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ भी हमें बनाना है। तो इकट्ठा कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी हमने सर्कल बनाया, क्योंकि यहाँ भी रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर रहेगा एन को सेंटर मानते हुए। अब स्केल की सहायता से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू को ज्वाइन करेंगे, तो हमें राइट हैंड साइड के टेंजेंट्स मिलेंगे, एक नीचे की तरफ भी बनेगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ के बनाएंगे हम, ये पी से ज्वाइन करेंगे हम, एक टेंजेंट ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला बनाते हैं, पी से ज्वाइन करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ये हमारा एक और टेंजेंट मिल गया। इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब ये जो टेंजेंट्स हमारे बने हैं, इनका नाम भी दे देते हैं। तो राइट साइड वालों का दो टेंजेंट्स हैं, ऊपर वाले का नाम दे देते हैं क्यू आर, और नीचे वाले का क्यू एस, और लेफ्ट साइड में पी टी, और यहाँ पर पी वी कह देते हैं। तो ये हमारी फाइनल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट।
होती है टोटल चार टेंजेंट्स के साथ।